क्या दुर्भाग्य है इस भारत का, हमारे यहाँ कभी तलाक नहीं होता था। ये तलाक शब्द सनातन धर्म का नहीं है, ये डाइवोर्स शब्द भी ये सनातन धर्म का नहीं है। जिन जिन मजहब और रिलीजन वालों का है उनके पास रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो स्त्री का परित्याग करना ही भी पाप माना गया शास्त्र। पति चाहे इस जैसे पत्नी का त्याग करना अपराध माना गया, वैसे पति चाहे बूढ़ा हो, निर्धन हो, रोगी हो, उसका भी त्याग करना अपराध माना गया। ये सनातन धर्म की उदारता। लोग जानते क्या है सनातन धर्म के बारे में भाई? सनातन धर्मावलंबियों को लोग ये बताएंगे कि हमें जीना कैसे चाहिए और हमें सिद्धांत कैसे बनाने चाहिए। हमारे जो सिद्धांत हैं विश्व में और किसी के पास ऐसे सिद्धांत नहीं। हाँ, माता और बहन की जो गालियां आई ये सब मुगल लेकर आए इस देश में, ये सनातन धर्म की देन नहीं है। वे राक्षस लेकर आए इस देश में। हाँ, क्या कहें, इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सनातन धर्म है। सनातन धर्म ने सदा विश्व को यही बताया, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो, कलयुग में एक होकर रहो, मातृदेवो भव, माता का सम्मान करो, पिता को भगवान मानो, आचार्य को भगवान मानो, अतिथि को भगवान मानो। हाँ, क्या नहीं दिया सनातन धर्म। नैतिकता की क्या बात करते हैं, सनातन धर्म से ही नीति का प्राकट्य हुआ है। यदि धर्म नहीं रहेगा तो नीति कहां से रहेगी जी? हाँ, आज की स्थिति यह है कि भारत में जो भारत में पहले कभी था नहीं, जिसके बारे में कभी हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं होगा, कत्ल खाने भारत में चल रहे हैं, जहां गाय कटती, यहाँ केवल जहां खाने ही खाने हैं बस। कत्ल खाने, उसके बाद अब यहां वृद्धाश्रम कभी नहीं था भारत, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई, व्यक्ति भूल गया अपने माता पिता के परिश्रम को। हाँ, भूल गया, उसके हृदय में मानवता नाम की कोई चीज अब रह नहीं गई। वो कहता क्या है, आज का व्यक्ति कहता है कि भैया जो माँ बाप ने किया उनका कर्तव्य था, तो उनको करना था, उनका कर्तव्य था। अरे तू भी तो बेटा है, तेरा क्या कर्तव्य, तू कर ले, क्यों नहीं करता। उनका कर्तव्य था, कर लिया, उन्होंने कोई उपकार नहीं किया, तो तू भी तेरा बेटा का जो कर्तव्य तू कर ले, तू कौन सा उपकार कर रहा है भाई, तू भी उपकार कर रहा है उनके ऊपर क्या। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, लेकिन